कि क्या इस रैली में, इस रिकवरी में दम है। और हमने दोनों सीनियर बताया कि खबरें किसी भी तरह की आ सकती है, और वो अभी भी स्टैंड है कि खबर का पता नहीं, खबर के हिसाब से। अब मुझे आप बताओ कि अगर आप 16,375 पर अचानक से कोई खराब खबर, कौन नहीं बेचेगा? सब बेचेगा, ठीक है ना। और अच्छी खबर आए तो यहाँ से भी कौन नहीं लेगा? लेंगे, क्योंकि आप 18,600 से 16,400 पे ही अभी भी। बिल्कुल, डेटा ये बता रहे हैं कि यहाँ से आपको और ऊपर जाना है। अरे वाह, हाँ, बहुत ही खतरनाक वाले डेटा बने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पिछले दो दिनों से लगातार हम एफएनओ डेटा की बात करें कि अच्छे हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव है, ओवरसोल्ड है। अब यहाँ से क्या ओवरसोल्ड डेटा और ज्यादा ओवरसोल्ड होते दिख रहे हैं, पुटकुल रेशियो के लिहाज से नहीं दीप, लेकिन पोजिशन के लिहाज से। पहले कम पोजिशन पे ओवरसोल्ड थे, अब रेशियो आपका ऊपर आ गया। इस वक्त पुटकुल रेशियो है 0.93, ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन लेकिन पोजीशन क्वांटिटी के हिसाब से आप ओवरसोल्ड हो गए। अब ये समझिएगा, बहुत बढ़िया जी, हम 16,400 के नजदीक है, ठीक है। अब 16,200 पे जो कॉल राइटर है वो तो ऑलरेडी टेंशन में आ गया कि मैं तो 0.5-200 पर नेगेटिव चल रहा हूं, मेरी शॉर्ट पोजीशन कब कटेगी? 16,200 तक दीप 1,01,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट जी, इस वक्त 0.5-200 रिस्क पर है। वाओ, ठीक है। अब हो सकता है इन्होंने 100 पॉइंट प्रीमियम या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट प्रीमियम जितने में बेची, प्रीमियम भी अच्छी मिल रही थी कॉल राइटिंग में, तो आई डोंट नो कितने में बेची है, बट रिस्क में तो आ गए पहली चीज। अब 16,300 के ऊपर आकर 16,400 भी पार करने की तैयारी में, 16,300 के ऊपर निकलने के बाद आप 1,38,00,000 शेयर आप कॉल राइटर्स जो है, करीबन 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज नीचे देखो कितना गिर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। 16,200-16,250 अब आपके लिए फिर से मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। डीप ट्रिपल बॉटम तो वहां नहीं बन पाया, लेकिन तीसरी बार सपोर्ट लेने का काम वहां पर जरूर करेगा। अब अगर फॉल आता है तो 16,200-16,250 आप आसानी से नहीं तोड़ेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ऊपर अगर 16,400 के पार निकल कर टिक गए, 16,400-16,425 3:05 16,400-16,425 रुकावट की जोन है, 16,425 मोर प्रिसाइजली, तो आपका जो फाइनल टारगेट आज का बनता है वो 16,450-16,500 का बनता है। और अब जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो 16,450-16,500 का आ रहा है। आज आपने देखा होगा 16,450 तक के तो हमने ऊपर के टारगेट दिए भी थे, और शॉर्ट के लिए आपको मैंने दिया था 16,200-16,350 एक ही कंडीशन पे कि स्टॉप लॉस बहुत दूर का मिलेगा 16,500 का, कर सकते तो करिएगा। एग्जैक्टली, देख लीजिए, इसीलिए दिया था कि जब मुंह जैसे नीचे का आता है ना, मुंह जब रिवर्स में आता है तो ऊपर का भी वैसा आता है। Exactly. वो इजी नहीं है आपके लिए, इसलिए छोटे स्टॉप लॉस में आप करते तो ट्रिगर अब तक हो ही गया होता, निपट ही जाते। Correct. तो 350 तक शॉर्ट करने के पीछे रीजन ये था कि 500 का स्टॉप लॉस है और वो स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। आज 16,500 पार न करें, लेकिन चाल बदलती हुई दिख रही है, ये डेटा में दिख रहा है। तो 16,300 के कॉल राइटर्स परेशानी में है, और 16,200 तक जो कॉल राइटिंग होके रखिए, अब आप आज 16,250 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब आइए बैंक निफ्टी, बेस आपका शिफ्ट हुआ है 33,000 के आसपास, 32,833,000 अब आपके लिए बेस का काम करेगा। 33,000 के पुट पर 26,00,000 शेयर है, आप पार हो चुके 33,500 है ना, अभी आप 33,875 है, 33,500 पर दीप 30,00,000 शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है, नहीं सॉरी 62,00,000 शेयर जी, 62,00,000 33,800 पार कर लिया, 83,00,000 शेयर, 33,900 पार, 800 का ही छोड़ते हैं आगे का नहीं गिनते, 33,800 तो हो गया पार आराम से, 83,00,000 शेयर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट है। भले ही रेशियो से आप ऊपर आ गए, लेकिन एक्सेस शॉर्ट आज बन गई है, पोजीशंस बन रही हैं, अब देखो ना आपके सामने पोजीशंस बन रही हैं, भले भाई इसी का इंतजार था, इसी का इंतजार, मतलब आप देखो ना 34,000 जैसे आपने पार किया तो करीबन आपका दीप समझ लीजिए 1,15,00,000-1,10,00,000 शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, इसलिए अब सबसे बड़ी चीज ये है दीप की आपकी डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड होती दिख रही है, और उस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे 32,833,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी पर हो गया, 16,715,800 निफ्टी पर हो गया, वो लंबे वाले हैं आज के लिए 16,250, और आज के लिए निफ्टी पर 250 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी पर 33,150 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वो तो हो जाएगी।